टू वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स की एडिशन किस तरह की जाती है। हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं कि वो क्या होता है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक ग्राउंड है जिसके अंदर एक कोने में एक खजाना दफन है और इस खजाने की लोकेशन हम किसी को बताना चाहते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं। ये हमारा मसला है कि हमने एक प्लेन में एक पॉइंट की लोकेशन बतानी है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट जो डायरेक्शन है उनका सहारा लें और हम कहें कि इस ग्राउंड के एग्जैक्ट सेंटर में खड़े होकर अगर तुम 10 कदम ईस्ट पे जाओ और 10 कदम नॉर्थ के ऊपर जाओ तो तुम उस खजाने तक पहुंच जाओगे। ये एक अच्छा तरीका है। इसी के ऊपर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बुनियाद है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी 2D प्लेन को चार हिस्सों में यूँ तकसीम कर लेते हैं और नॉर्थ साउथ के बजाय हम एक ज़्यादा एफिशिएंट और जेनेरिक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कह देते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कह देते हैं। और अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। इसका जो इनका जो इंटरसेक्शन होता है ये ज़ीरो होता है। ये दोनों एक्सेस एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं और इनके ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं। ज़ीरो के राइट पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो के लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर्स हैं और जीरो के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जीरो के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। बेसिकली ये जो एक्सिस हैं ये नंबर लाइन्स हैं। नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट हमने बचपन में पढ़ा होगा, उसमें एक लाइन होती है जिसके ऊपर जीरो होता है और उसके राइट पे 1, 2, 3 होता है और लेफ्ट पे -1, -2, -3 होता है। तो ये एक्सिस जो हैं ये नंबर लाइन्स हैं और इनके ऊपर अब हम इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से अगर मैंने कोई भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो मैं एग्जैक्टली उसको बता सकती हूँ उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की के जरिए कि अगर आप 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स पे और 5 कोऑर्डिनेट्स वाई पे मूव करें तो आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। इस तरह किसी भी पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स बताने हो तो मैं इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए बता सकती हूँ और इसको हम वेक्टर्स को स्टडी करने के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने एक्सेस होते हैं। अभी हमने देखा कि उसमें एक्स और वाई एक्सेस से मिलकर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। ओनली वन एक्सेस, टू एक्सेस, थ्री एक्सेस, टू और थ्री एक्सेस। अब मिनिमम हमें 2 एक्सेस चाहिए होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, मगर अगर हम तीसरी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो स्पेस होती है तो हम ऑप्शनली जेड एक्सेस भी यूज कर सकते हैं जो इस स्क्रीन से बाहर होगी, मगर एक्स और वाई मिनिमम हमें 2 एक्सेस चाहिए, लेकिन 3 एक्सेस भी हो सकती हैं। इसलिए इसका जो जवाब है वो 2 और 3 एक्सेस है। डी जो है वो इसका सबसे अच्छा जवाब है क्योंकि डी में 2 एक्सेस भी शामिल है, 3 एक्सेस भी शामिल है। लेकिन अगर हमारे पास डी ना होता तो हम 2 एक्सेस करते या 3 एक्सेस करते। हम 2 एक्सेस करते क्योंकि मिनिमम हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 एक्सेस चाहिए होती हैं। हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास एक मैग्नीट्यूड आता है और एक यूनिट आती है, मगर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा एक डायरेक्शन भी आती है। यानी वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज एक बॉक्स है और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसके ऊपर आप 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें। तो क्या आप इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी डायरेक्शन? नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स अगर अप्लाई होगा इस बॉक्स पे तो यकीनन किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी इनहेरेंटली कोई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के बगैर फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरह एक और एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट की है। डिस्प्लेसमेंट होता है कि एक चीज एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कितनी डिस्प्लेस्ड है। तो इसमें भी एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेट सपोज पॉइंट ए के ऊपर मैं थी और मैं आपको बताती हूँ कि मैं पॉइंट ए से 25 किलोमीटर डिस्प्लेस्ड हूँ, पॉइंट ए पे नहीं हूँ इससे 25 किलोमीटर डिस्प्लेस्ड हूँ। अब एक 25 किलोमीटर रेडियस में इनफिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, इन सारे पॉइंट पे मैं कहीं पर भी हो सकती हूँ। तो अगर मैं पॉइंट इनमें से ज़ाहिर है मैं एक वक्त में एक पॉइंट पे हो सकती हूँ, जैसे इस बॉक्स के ऊपर एक वक्त में एक डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया जा सकता है ना, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज है। मगर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो एक डायरेक्शन में होगा। इसी तरह ए पॉइंट से अगर मैं 25 किलोमीटर डिस्प्लेस्ड हूँ तो मैं एक पॉइंट पे डिस्प्लेस हो सकती हूँ इस पूरे इन सारे पॉइंट्स में से। लेट सपोज वो पॉइंट बी है तो अब मैं अपनी डिस्प्लेसमेंट बता सकती हूँ कि मैं 25 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी मेरी डिस्प्लेसमेंट है। मैं ए टू बी से ए पॉइंट से 25 किलोमीटर डिस्प्लेस्ड हूँ एट पॉइंट बी। इसी तरह 5 न्यूटन फोर्स मैं अप्लाई करती हूँ टूवर्ड्स लेफ्ट लेट सपोज,
तो ये मेरी एक पॉसिबिलिटी है कि इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में से मैंने एक डायरेक्शन सेलेक्ट की. एक ना एक डायरेक्शन ज़रूर फोर्स की होती है, एक ना एक डायरेक्शन ज़रूर डिस्प्लेसमेंट की होती है, और ऐसी सब क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन होती है वेक्टर्स कहलाती हैं. वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़, हमें पता है कि वेक्टर का दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना पड़ता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड या सिर्फ डायरेक्शन या आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमारे पास चार फिजिकल क्वांटिटीज हैं और हमने बताना है कि इसमें से स्केलर कौन सी है. इस सवाल को हल करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या है. हमें पता है कि वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है और स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती. अब हम वन बाय वन देखते हैं इनमें से किन की डायरेक्शन है और किन की नहीं है. वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम बता रहे हैं तो उसके लिए भी हमें फिर डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. हमें बताना पड़ेगा हम 25 किलोमीटर पर आवर जो है वो ए टू बी डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड बताने के लिए, स्पीड होता है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस बताने के लिए हमें डायरेक्शन ही बतानी पड़ती है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बताने के लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. यानी स्केलर क्वांटिटी तो हमारा जवाब हमें पता चल गया बी है. बाकियों को अभी हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने अभी देखा फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है. मोमेंटम भी फोर्स से रिलेटेड होता है, उसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होता है, इसके लिए भी डायरेक्शन की जरूरत होती है, ये भी नहीं है. नेम अ क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर. अब इनमें से हमने वेक्टर ढूंढना है, किस इन चारों क्वांटिटीज में से किस क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है. हमें पता है कि डायरेक्शन होती है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, मास की डायरेक्शन नहीं होती. मास जो है वो बस होता है 1 किलोग्राम में मेजर किया जाता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. वर्क जो है वो जाउल्स में मेजर किया जाता है, वर्क परफॉर्म करते हैं वो किसी खास डायरेक्शन में नहीं होता, वर्क की भी डायरेक्शन नहीं होती. एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हमें पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन बतानी पड़ती है, तो वेलोसिटी के लिए भी बतानी पड़ेगी और फिर एक्सेलरेशन के लिए भी बतानी पड़ेगी. यानी एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में हम एक वेक्टर को एक एरो के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं. इस एरो की लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होती है और इसकी एरो हेड उसकी डायरेक्शन बताता है. किसी भी वेक्टर को हम उसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. इस वेक्टर के हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन देखते हैं, और लेट सपोज ये प्रोजेक्शन ये 3 0 पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और ये 7 0 पॉइंट है. इसका जो नेट मैग्नीट्यूड होता है जो कि 5 है, ये इस वेक्टर का एक्स मैग्नीट्यूड है. इसी तरह इसकी वाई एक्सिस के ऊपर हम प्रोजेक्शन देखते हैं, और अगर वो प्रोजेक्शन लेट सपोज हम फर्ज करते हैं कि 5 है, तो ये उस वेक्टर का वाई वाई कॉम्पोनेंट कहलाता है. तो यूं हम देख सकते हैं कि हम एक वेक्टर को उसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट लेते हैं और हम ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है, क्योंकि ये हमें उस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. यूनिट वेक्टर एक खास किस्म का वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसका मकसद किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताना होता है. वेक्टर्स को हम यूं लिखते हैं, वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम एब्सोल्यूट से शो करते हैं, और उसके साथ एक यूनिट वेक्टर लिखा जाता है जिसके ऊपर हैट होता है. ये यूनिट वेक्टर हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है. कुछ खास किस्म के यूनिट वेक्टर होते हैं जैसा कि एक्स वाई और जेड हैट. ये तीन वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. मसलन अगर हमारे पास 3x लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि हम 1 2 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे. इसके अलावा यूनिट वेक्टर किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. एमसीक्यूज देखते हैं हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर इज, चूंकि हम एक वेक्टर को जब रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो वो एक्स और वाई एक्सेस के ऊपर उसके कॉम्पोनेंट्स आते हैं, और एक्स और वाई एक्सेस हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, तो कॉम्पोनेंट्स भी 90 डिग्री के ऊपर होते हैं हमेशा. वेक्टर इन स्पेस हैज, अगर स्पेस जो कि 3 डायमेंशन है उसमें एक वेक्टर है, तो उसके एक्स कॉम्पोनेंट होगा, वाई कॉम्पोनेंट होगा और जेड कॉम्पोनेंट होगा, तो हमारा जवाब है 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं स्पेस में. अगर एक प्लेन होगा तो उसके 2 कॉम्पोनेंट्स होंगे. वेक्टर्स को ऐड करने के 2 तरीके हैं, या हम उनको ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं या फिर हम उनको मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं. ग्राफिकली ऐड करने के लिए हम इन वेक्टर्स को एंड टू एंड रखते हैं और फिर उनका एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. ये रिजल्टेंट वेक्टर उनके सम के बराबर होता है.
सी बराबर है ए प्लस बी के। अगर हम इसको मैथमेटिकली करना चाहते हैं तो हम इन वेक्टर्स को इनके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वेक्टर बराबर है 2x हैट प्लस 3y हैट के, और बी बराबर है लेट सपोज 3x प्लस 4y के। तो एडिशन करने के लिए हम एक्स कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे, इससे हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा 5x। इसको हम अगर ग्राफिकली देखें तो ए का एक्स कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट ऐड करने का मतलब है कि हम इन दोनों का नेट इफेक्ट देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। इसी तरह वाई एक्सेस, दोनों के वाई एक्सेस को, वाई कंपोनेंट्स को ऐड करने से हमारे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर एडिशन वाला ही मेथड यूज होता है। सिर्फ अगर हम a माइनस बी करना चाहते हैं तो हम b को सबसे पहले -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम किसी वेक्टर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ग्राफिकली अगर ये b है और हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और अपना मैग्नीट्यूड सेम रखता है। -1 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि इसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास -3x -4y आ जाएगा। इसको हम फिर नॉर्मल जो वेक्टर एडिशन का तरीका था, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 2x हैट प्लस 3y हैट आ जाएगा। द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज इक्वल टू अ सिंगल वेक्टर व्हिच इज, जो सम वेक्टर होता है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन, जैसे हम -1 से मल्टीप्लाई करते थे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती थी, इसी तरह कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट का मतलब है 180 डिग्री का चेंज। इस एमसीक्यू में हमें दिया गया है कि पोजिशन ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 फ्रॉम एन ओरिजिन इन किलोमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स इज। बेसिकली हमें, हमारे पास दो एरोप्लेन्स हैं और हमें उनके पोजिशन वैक्टर्स दिए गए हैं। ये जो दो हैं ये हमारे पास पोजिशन वेक्टर्स हैं क्योंकि लिखा हुआ है फ्रॉम एन ओरिजिन इन किलोमीटर, और हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स बताना है। इसका मतलब है कि हमें ये चीज़ चाहिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच में डिस्टेंस तो यही है, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है तो साफ नज़र आ रहा है। हमें कैसे पता चला ये इन दोनों का डिफरेंस है? हमें एक को, एक पोजिशन वेक्टर को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमें ऐसे पता चला कि अगर हम एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लें, दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लें, एक का फर्स्ट करें ये है और दूसरे का ये है, और हमें ये चीज चाहिए, तो यकीनन हमें इस एक्स कंपोनेंट में से इस एक्स कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। इसी तरह वाई के केस में इसका मतलब है कि हमें इन दोनों पोजिशन वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5, 6, 7। ये मैं जल्दी में ये नोटेशन यूज कर रही हूँ, को 2, 3, 4 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास 3, 3, 3 इसकी पोजीशन आ जाती है। और इन्होंने हमसे उसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये होता है कि हम अंडर रूट 3² प्लस 3² प्लस 3² कर देते हैं। इसका आंसर गालिबन 5.2 किलोमीटर आता है, जो कि हमारा आंसर है। इसको आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द हॉरिजॉन्टल विल बी। हमारे पास दो फोर्सेज हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, इसको हम F1 कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, हमने इनका रिजल्टेंट लेना है। हम ग्राफिकली रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, चूंकि ये दो फोर्सेज एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, इसलिए हम एक के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसिडर करते हैं, और हमने बेसिकली ये एंगल बताना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट क्या एंगल बना रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो बाकी दो एंगल होते हैं वो 45 45 होते हैं, और ये आसानी से हमें पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। 45 इसका करेक्ट आंसर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन इज गिवन बाय, चूंकि ये एक्स जेड प्लेन है इसलिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दिया होना चाहिए उसके पोजीशन वेक्टर में। तो हम देखते हैं एक्स और जेड किसमें, इसमें एक्स और वाई है ये नहीं है, इसमें एक्स और वाई है ये नहीं है, एक्स और जेड सी ऑप्शन में है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ए इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, देन एक वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। तो अगर हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। अब हम इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं किसको हमने डिवाइड किया हुआ है मैग्नीट्यूड से, बी ऑप्शन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 इज अ यूनिट वेक्टर, ये हमें पता है। इसके साथ हम चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट के एंड पे आते हैं। थैंक यू सो मच।